पांच नंबर 100, 101, 102, पांच नंबर में आप इसे भगाते चले जाइए और ये चलती चली जाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाल्कन विंग्स। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा की शाइन SP125cc BS6 फेज 2 एडिशन का, और हमारे पास ये बाइक है। सो लेट्स फाइंड आउट, डज इट शाइन लाइक होंडा। तो हम लोग इस बाइक का पहले वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर इस गाड़ी को मैं चला करके टेस्ट राइड करके आपको बताऊंगा ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लुक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। और फ्रंट में जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने में यहाँ पे होंडा की बैजिंग आपको दिख रही है। और ये इस हेडलैम्प की बात करें तो ये पूरा LED हेडलैम्प है, जो कि आपको हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये आपका पास लाइट है जो मैं अभी जला रहा हूँ यहाँ से। तो ये पास लाइट जब आप देंगे तो ये हाई बीम आपका नीचे में, ये नीचे वाला सेटअप जो है ये हाई बीम का है, ये दिया गया है। और जब आप बाइक ऑन करेंगे तो ये आपका डे टाइम रनिंग लाइट की तरह भी वर्क करता है, और ये आपका लो बीम भी है। ये आपका इंडिकेटर जो है पूरा पूरी हैलोजन में है, और इसी तरह आपका ये राइट वाला इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन इसमें हज़र्ड लाइट की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको, और टेल लाइट भी जो आपका है वो आपको LED देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, लेकिन ये आपको जो टेल लैंप है वो हैलोजन ही देखने को मिलता है। होंडा शाइन SP की अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कलर है मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये और भी कलर ऑप्शन में आता है, मैं आपको कलर सारे साइड में दिखला दूंगा कि कौन कौन कलर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। और ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक, रेड और ग्रे का तीन कलर का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है, जो बहुत ही डिसेंट लगता है देखने में। और होंडा की पेंट क्वालिटी की तो मैं क्या ही बात करूँ, पेंट क्वालिटी इसमें बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको साइड में एक जो साइड क्लैडिंग आप बोल सकते हैं फ्यूल टैंक पे, और इसमें जो है आपको होंडा का एक क्रोम बैज मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। यहाँ पर थोड़ा मिक्स यूज़ किया गया, देखिए आप फ्यूल टैंक आपका ग्लॉसी है, उसी तरह यहाँ पे मैट पे इन लोगों ने फाइबर यूज़ किया है, उसके बाद फिर ये ग्लॉसी है, फिर यहाँ पे मैट यूज़ किया गया है, और फिर ग्लॉसी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का टेक्स्चर के लुक में आपको फाइबर देखने को मिलता है। थोड़ी सी मुझे एक दिक्कत लगी, मैं आपको दिखला देता हूँ, ये देखिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो है थोड़ा सा रैकल करता है। हालांकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा बुश वगैरह दे करके या कुछ करके ऐसा एडजस्टमेंट करना चाहिए था कि ये बजे नहीं। हालांकि ये आपको राइडिंग के टाइम में ज़रा भी फील नहीं कराता कि कहीं से आवाज़ आ रही है। जैसे यहाँ पर एक बोल्ट कसा हुआ है और दो जगह ऑब्वियस है कि बुश पर इसे इन लोगों ने फिट किया होगा, तो वो परफेक्ट फिटिंग नहीं है। तो दूसरे साइड भी यही प्रॉब्लम है। रियर कॉल जो आप देख रहे हैं ये पूरा फाइबर मटेरियल है। यहाँ पर एक मेटल की ग्रैबरेल आपको देखने को मिल जाती है। राइट साइड का भी लुक काफ़ी अच्छा है। आपको इस पर जो क्रोम का यूज़ किया गया है एग्जॉस्ट पे, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है और बहुत ही डिसेंट लग रहा है देखने में, गाड़ी के साथ काफ़ी मैच करता हुआ। इसकी सीट की बात करें तो ये काफ़ी कुशनी सीट है, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको मिलता है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। इवन मतलब आप इसमें अगर दो हेवी लोग भी बैठ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कोई लेडीज़ भी अगर बैठती हैं तो उन्हें भी कोई तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। यहाँ पर एक साड़ी गार्ड दिया गया है, जिसका भी फिनिश, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और साथ में यहाँ पर पैर रखने की जगह है, ये फुटरेस्ट है इसका। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो हमें 11.2 लीटर का देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देखें कि E20 की बैजिंग है, यानी ये बाइक जो है आपकी वो एथेनॉल 20 फ्यूल जो रहेगा उस पर भी आराम से चलेगी। तो ये BS6 का फेज़ 2 एडिशन में सारी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये E20 फ्यूल का आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप E20 फ्यूल पर गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। पीछे में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं, और सामने फेंडर पे आपको कोई ग्राफिक नहीं मिलती है। हाँ, आपको शॉक एब्जॉर्बर पे एक रिफ्लेक्टर ज़रूर मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है देखने में और ये बहुत यूज़फुल भी है। और इसके अगर टायर प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो इसमें आपको 100 सेक्शन का 100x80 इंच का व्हील जो आपको पीछे में देखने को मिलता है। और अगर फ्रंट में हम लोग बात करें तो फ्रंट में भी आपको जो टायर मिल रहा है वो 80 सेक्शन का है, और 80x118 इंच का टायर है। रियर वाला टायर से थोड़ा सा आपका 20mm वाइडर है, तो वो आपका एक गाड़ी का बैलेंस बनाने में बहुत सपोर्टिव होता है। और ब्रेकिंग की जहाँ तक बात है तो ये आपको फ्रंट में जो है
वो देखिए, ये आपको सिंगल पिस्टन का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और ये जो है निसिन का आपको इसमें कैलिपर मिल रहा है देखने को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका ब्रेक का बाइट बहुत अच्छा होता है, और इतना ही नहीं आपको इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी मिलता है। ये देखिए, अगर आप ब्रेक पे ध्यान दें, यहाँ भी मास्टर सिलेंडर जो है वो निसिन का आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रेस आप कर रहे हैं। और उसी तरह अगर आप रियर वाले ब्रेक को लेते हैं तो उसके साथ साथ हल्का कुछ परसेंट ब्रेक आपका फ्रंट वाले ब्रेक में भी लगता है, जो कि होंडा की शुरू से मतलब USP रही है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाली, तो वो चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। और ये है होंडा का इंजन, जिस पर होंडा की बैजिंग है। 125 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है ये, एयर कूल्ड इंजन है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड या ऑयल कूल्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और अगर आपने पहले वाली भी शाइन SP चलाई होगी तो उसका भी इंजन काफ़ी अच्छा था। हाँ, जो 100 cc वाली शाइन आती थी उसका इंजन का टॉर्क बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक में चलाने में उस गाड़ी को थोड़ा सा परेशानी होती थी। काफ़ी मतलब पंची था वो, मतलब तुरंत इनिशियल में जो उसका टॉर्क मिलता था वो बहुत ज़्यादा था, और टॉप एंड पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, गाड़ी में साउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन इस वाली गाड़ी में इस तरह का कोई इशू नहीं है। इसका इंजन मैंने चलाया हुआ है, पहले वाली जो शाइन SP थी BS4 वाली, वो बहुत ही मतलब रिलायबल इंजन उसका आप बोल सकते हैं। एक बार मैं आपको बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपकी बाइक ऑन हो गई, देखिए बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट होती है। काफ़ी बेसी साउंड आपको मिलता है क्योंकि बहुत अच्छा है, आपको मतलब गाड़ी चलाने में एक अलग सा फील देगा ये साउंड। मीटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका, तो ये आपको स्पीड बताता है, यहाँ पे फ्यूल का गेज है, और ये जो आप 106 किलोमीटर देख रहे हैं ये रेंज बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अभी जो जितना फ्यूल है उसमें 106 किलोमीटर चलेगी, ये इसी तरह बताता रहता है। साथ में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो दो बटन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेलेक्ट है और ये सेट है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं मीटर पे, ये देखिए ये ट्रिप बी, ये आपका ट्रिप ए है, ये एवरेज बता रहा है, और एवरेज इसका अभी जो मैं गाड़ी चला करके आया हूँ 59.0 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है इसने। काफ़ी मैं अभी थोड़ा तेज़ी में भी गाड़ी चला करके आया था, लगभग मेरी स्पीड एवरेज स्पीड 70 के आसपास की रही होगी। तो इसका फ्यूल इकोनॉमी जो है गाड़ी की वो बहुत अच्छी है, और 150 किलोमीटर अभी टोटल गाड़ी चल चुकी है, और इसकी अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद ऑब्वियस है कि जो माइलेज भी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप मान करके चलिए कि इसमें 65-60 के बीच में आपको एवरेज मिलेगा, और टाउन में अगर आप चलते हैं तो 55 प्लस की तो उम्मीद की ही जा सकती है। तो ये काफ़ी डिसेंट माइलेज है, प्लस होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी तो आपके साथ में है ही। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ये स्विच जो दिया हुआ है, इसी में आपका इंजन किल स्विच भी है और यही स्टार्ट बटन भी है। तो इसे आप अगर स्टार्ट करेंगे, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये देखिए यहाँ पे जो साइड स्टैंड है सेफ्टी के लिए, इसमें ये इंजन कट ऑफ स्विच दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक, जब तक आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा एक तो मार्क रहेगा यहाँ पर साइड स्टैंड का, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर स्टार्ट करना चाहेंगे बाइक को, पहले मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ, ये देखिए न्यूट्रल प्लस आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने न्यूट्रल किया तो ये आपका न्यूट्रल का यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रहा है, और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर को आप बताते रहता है कि आप किस गियर पे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और बहुत साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट होती है, जैसा कि आपने सुना, देखिए सिर्फ आपको इंजन की आवाज़ है, वो जो स्टार्ट करने का जो एक साउंड होता था मोटर में वो साउंड अब नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ धीरे धीरे डेवलप कंपनी करती जा रही है, तो अच्छा अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। मैं आपको गियर चेंज करके भी दिखला देता हूँ, जैसे मैं एक नंबर पे लगाऊंगा तो ये देखिए एक नंबर पे जैसे मैंने लगाया तो ये आपकी गाड़ी बंद हो गई, यानी कि आपका ये साइड स्टैंड का मार्क आ रहा है। तो जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाते हैं तब तक आप एक नंबर गियर डाल करके गाड़ी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कितना कमाल का फीचर है, कितना सेफ्टी है। मैंने कई सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं कि मतलब लोग स्टैंड लगाना मतलब स्टैंड को बंद करना भूल गए और किसी जगह पर टकराने की वजह से आप गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, राइडिंग से पहले मैं सेफ्टी गियर्स पहन लेता हूँ, ग्लव्स वगैरह, क्योंकि कभी भी राइडिंग देखिए करते हैं तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हुई, अब हम लोग चलते हैं राइड पे। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफ रोड का ही व्यू दिखा दूँगा, क्योंकि अभी जिस जगह पर मैं हूँ तो आपको ऑफ रोड का ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से गाड़ी चल रही है, और बहुत स्मूथ है ये गाड़ी।
ये देखिए इसको मनूवर करना भी इतना ईजी, इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा कम है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे झटका नहीं लग रहा है, क्लच बिल्कुल लाइट है इसका। ये देखिए मैं एक उंगली से इसे प्रेस कर पा रहा हूँ। जब आप इस कंडीशन में गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे टारमैक रोड रहेगा वो बेहतरीन रहेगा उसको चलाने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा इसका गियरबॉक्स पसंद आया, बहुत ही बटर स्मूथ गियरबॉक्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है और तब इसका गियर वगैरह इतना स्मूथ है, मतलब सर्विसिंग के बाद जो होता है ना, जो रनिंग पीरियड गाड़ी का होता है वो ख़त्म होता है, तो बहुत सारे जो इंजन में थोड़े मोड़े जो वियर एंड टीयर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो वाला एक्सपीरियंस तो इसमें और भी अच्छा रहेगा। इंडिकेटर दे करके मैं हाईवे पर टर्न हो जाता हूँ। मैं सबसे पहले गाड़ी को आपको रोक करके दिखलाऊंगा स्टार्टिंग से ये गाड़ी कैसे चलती है। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमी को प्रेजेंट करती है, मतलब इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप इकोनॉमी मोड में हैं और गाड़ी आपके माइलेज अच्छा देने वाली है। तो कभी भी वो लाइट बंद होती है यानी आप इकोनॉमी मोड को क्रॉस करके एबव स्पीड जाइएगा तभी वो चीज़ होगी। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि मतलब एक नंबर गियर में गाड़ी कैसे चलती है, दो नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में, पाँच नंबर में कितना तक जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी ये गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि इसका इंजन अभी पूरी तरह रनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो उतना भागेगी नहीं गाड़ी, फिर भी मैं टेस्ट करता हूँ। ये एक नंबर मैंने लगा दिया, एक नंबर में 30, दो नंबर में 53, तीन नंबर 75, चार नंबर 92, पांच नंबर 100, 101, 102। पांच नंबर में आप इसे भगाते चले जाइए और ये चलती चली जाएगी, बहुत स्मूथ है, कोई तरह का इशू नहीं है इसमें और काफ़ी फ्लिकेबल है। देखिए ये इतना आराम से, मतलब गाड़ी एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लिक होती है। आप कभी भी इस तरह का अगर करें तो पहले पीछे मिरर में देख लीजिए कि दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं हो, क्योंकि उन्हें ट्रबल हो सकती है और वो अचानक से इधर उधर जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ओवरटेकिंग वगैरह जो इस गाड़ी से वो काफ़ी ईजी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये देखिए बिना हेलमेट के लोग क्यों इस तरह से चलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। राइडर ने हेलमेट लगाया हुआ है, पिलियन के पास हेलमेट नहीं और इतना रफ राइड कर रहे हैं। हमेशा कभी भी हाईवे पर चलिए ना तो सेफ्टी गियर एकदम मस्ट है, उसे पहन करके ही चलिए। पुलिस से बचने के लिए हेलमेट कभी मत लगाइए क्योंकि वो भी आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात होते हैं, खड़े रहते हैं, उनकी भी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ये देखिए काफ़ी अच्छा, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पाँच इसका इंजन इतना टॉर्की है। देखिए मैंने स्लो कर दिया गाड़ी, अभी मैं वापस आपको गाड़ी उठा करके दिखाऊंगा। 40 के नीचे आ गए और मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए 30 में आ गए। अब देखिए मैं गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लच से मेरा हाथ हटा हुआ, मैं गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ। 5 नंबर पर गाड़ी है, 5 नंबर पर ही मैं इसे यहाँ से उठाऊँगा। ये देखिए आराम से गाड़ी, इतना अच्छा टॉर्क है गाड़ी का, कोई ट्रबल नहीं होती है। मतलब वो होता है ना कि आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको मतलब फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ रहे हैं, तो वैसा कोई सीन ही नहीं है इसमें। एकदम स्मूथली आपकी गाड़ी उठ रही है, ना कोई इंजन में नॉकिंग है, ना आपको झटका लग रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ आपका इंजन है, बिल्कुल आराम से ये गाड़ी उठ रही है। और अभी मैं अप में जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप कि मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे सामने राइडर जा रही है TVS की, वो भी एक अच्छी गाड़ी है लेकिन वो बहुत हेवी लोगों के लिए नहीं है, जैसा कि मुझे उसे चला करके लगा। जब पिलियन के साथ चलता हूँ तो उसका जो मोनोशॉक है रियर वाला वो मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं करता है, तो उसमें कंपनी को मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा मोनोशॉक पे काम करना चाहिए ताकि वो गाड़ी मतलब राइडर और पिलियन के साथ भी आदमी चले तो ट्रबल ना दे। वैसे उसमें पावर बहुत अच्छी है और चलाने में भी मज़ा आता है। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपनी बाइक पर। ये देखिए 60 की स्पीड से मैं फिर भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर डिलीवरी जो ये गाड़ी की बहुत अच्छी है,
ओवरटेकिंग वगैरह में तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता है। अब हम लोग एक हल्का सा ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे यहाँ पे। बहुत इजीली कंट्रोल होती है गाड़ी। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ से वापस हम लोग फिर ऊपर चलेंगे। हॉर्न से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि हॉर्न जिस क्वालिटी का होना चाहिए था वैसा नहीं है। हॉर्न में डुअल हॉर्न अगर ये लोग दे देते तो वो काफ़ी एक अच्छा सेटअप रहता, लेकिन वो इन लोगों ने दिया नहीं है, क्योंकि इसमें रियर ब्रेक भी खाली आप लेंगे ना तो भी गाड़ी अच्छा कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम है। हालांकि किसी किसी जगह पर मुझे लगता है कि ये कॉम्बी ब्रेक खतरनाक हो सकता है, जैसे अगर आप ग्रेवल पाथ पे चल रहे हैं और अचानक से आप सडनली रियर ब्रेक हार्ड प्रेस कर दीजिएगा तो, क्योंकि इस पर फ्रंट वाला ब्रेक भी लग जाता है तो वो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, थोड़ा हम लोग संभल के ही ब्रेक मारते हैं, मगर पैनिक सिचुएशन में कभी ब्रेकिंग करना पड़ जाए तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी ट्रबल हो। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो चलिए हम लोग थोड़ा ट्रैफिक में ही टेस्ट कर लेते हैं गाड़ी को, देखते हैं ट्रैफिक में कैसा फील होता है मनूवर करने में। बहुत इजी मनूवरिंग है इसका, कोई तरह के इशू नहीं है। और ये देखिए, जैसे मैं 3 नंबर पे चल रहा हूँ, मुझे ओवरटेक करना है कुछ नहीं, बस मैंने एक्सीलेटर लिया और ये गाड़ी ओवरटेक करने के लिए तैयार है। इंजन का पंच इतना अच्छा है ना कि आपको ओवरटेक करने में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से आप ओवरटेक कर सकते हैं। और ब्रेकिंग देखिए, बिल्कुल कंट्रोल्ड ब्रेकिंग जिसको आप बोल सकते हैं, वो ब्रेकिंग है इस गाड़ी में। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इसका और भी वेरिएंट आता है जो कि सिंपली ड्रम ब्रेक के साथ आता है, तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगा करके डिस्क ब्रेक वाला वर्जन ले लीजिए तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है, बहुत कंट्रोल्ड ब्रेकिंग मिलती है। कहीं आपको मतलब ब्रेकिंग से रिलेटेड मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा ज़रा सा भी, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि थोड़ी और अच्छी ब्रेकिंग होनी चाहिए थी। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और इसका में जो कॉम्बिनेशन दिया गया है रियर में ड्रम और आगे में डिस्क ब्रेक का, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ी का वज़न थोड़ा कम है तो इसके वजह से आपको रियर में अगर डिस्क ब्रेक दे दिया जाता तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता। ये देखिए कितना मतलब ईजी इस गाड़ी को मैं चला पा रहा हूँ। ये आपको कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक 125 सीसी की बाइक चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा। मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि वो 150 वाला जो फील होता है ना वो इस गाड़ी में मुझे मिल रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए इतना मैं चला हूँ, अभी भी 99 का रेंज ही दिखा रहा है, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप देखें, यहाँ तक कि मैं इसे चलते चलते भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये बटन बहुत ईजी दिया हुआ है तो एवरेज देखिए अभी 58.9 का दिखा रहा है। पहले वो एक्टिवा वगैरह में क्या होता था ना, एक छोटा सा यहाँ पे बटन रहता था, वो चेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इन लोगों ने बटन काफ़ी अच्छा यहाँ पे दे दिया है। आप आराम से चलते हुए भी गाड़ी को अपना रीड कर सकते हैं कि क्या मेरा रेंज है, क्या एवरेज है, क्या ट्रिप है, सारा कुछ। और गियर पोजिशन इंडिकेटर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ज़रूरी चीज़ थी, गाड़ी में देना चाहिए था और इन लोगों ने दिया है, तो मेरे तरफ से तो ये बाइक बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस गाड़ी का रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने नज़दीकी होंडा डीलर के पास जा करके आप इस गाड़ी को एक बार चला करके ज़रूर देखिए, क्योंकि हर गाड़ी जो है वो राइडर के हिसाब से होती है। सबसे ज़रूरी है आपके लिए कौन सी गाड़ी सूट करती है उसे चला करके ज़रूर चेक करें एक बार। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू।